हेलो गाइस, वेलकम टू हेलो कार एक्स इंडिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं पांच ऐसी मशहूर कारें जो कि फैमिली के लिए बनी है। तो आप लोग भी ढूंढ रहे हो एक फैमिली के लिए अच्छी कार, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। भारत में कुछ बेहतरीन पारिवारिक कारें जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पर आती है मारुति सुजुकी बलेनो। मारुति सुजुकी बलेनो एक हैचबैक है और इसे भारत में 2019 में लॉन्च करा गया था। लॉन्च होने के बाद इसे समय समय पर अपडेट किया गया है और इसके डिजाइन में आप लोगों को डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एक स्लिम क्रोम गार्निश्ड फ्रंट ग्रिल और 16 इंचेस के स्टाइलिश अलॉय व्हील भी मिल जाते हैं। बलेनो में लगभग 5 लोग बैठ सकते हैं, जो इसे छोटे परिवारों के लिए आदर्श बनाता है। और इसमें 1200 सीसी का इंजन मिल जाता है, 89 bhp का पावर मिल जाता है, 113 nm का टॉर्क और ये ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन में उपलब्ध है। और ये आप लोगों को मिल जाएगी 6 लाख से 10 लाख के प्राइस रेंज के बीच में। और हमारे पास दूसरे नंबर पर है टाटा टिगोर। और ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों वेरियंट में आती है, उनके पास मैनुअल और ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। और टाटा टिगोर को NCAP द्वारा सुरक्षा के लिए 4-स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। ये एक फैमिली कार की अच्छी चॉइस हो सकती है। और इसमें आप लोगों को 1200 सीसी का इंजन मिल जाता है, 85 bhp का पावर मिल जाता है, 113 nm का टॉर्क मिल जाता है और इसमें आप लोगों को ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये एक 5-सीटर कार है और ये आप लोगों को मिल जाएगी 6 लाख से लेके 9 लाख के प्राइस रेंज के बीच में। तीसरे नंबर पे है हमारे पास मारुति सुजुकी स्विफ्ट। मारुति सुजुकी का जो करंट वर्जन है इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। तो ये एक हैचबैक है, इसमें आप लोगों को DRL के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और इस स्विफ्ट में आप लोगों को क्रूज कंट्रोल, रिमोट कीलेस एंट्री एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इस जैसे फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। और इसमें इंजन कैपेसिटी है 1200 cc, 89 bhp की पावर भी मिल जाती है, के साथ साथ आप लोगों को 113 nm का टॉर्क भी मिल जाता है। और ये ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ये दोनों ट्रांसमिशन में आप लोगों को मिल जाती है। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 5%। और ये आप लोगों को मिल जाएगी 6 से लेके 9 लाख के प्राइस रेंज के बीच में। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाती है मारुति ब्रेज़ा। भारत में एक लोकप्रिय सब कॉम्पैक्ट SUV है। प्रभावशाली इंजन के प्रदर्शन के साथ इसकी सस्ती कीमत ऐसे कारण है जिन्होंने इसकी लोकप्रियता में योगदान दिया है। मैं आप लोगों को LED DRL के साथ LED हेडलैम्प्स और एक शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। आप लोगों को मिल जाती है ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 5%। और ये आप लोगों को 8 लाख से लेकर 14 लाख के प्राइस रेंज के बीच में मिल जाएगी। और हमारी फिफ्थ एंड लास्ट नंबर पे आती है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन एक आकर्षक 4 मीटर क्रॉसओवर SUV है जो 2017 में लॉन्च होने के बाद से सुर्खियों में। और इसके डिजाइन में आप लोगों को मिल जाता है DRL के साथ साथ LED हेडलैम्प्स एंड सिग्नेचर LED टेल लैम्प्स। लोगों को इसमें ORVM भी मिल जाता है। और नेक्सॉन में इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं। और आप लोगों को इसमें 1200 सीसी एंड 1500 सीसी इसे दो इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं और 109 bhp की पावर जनरेट करते हैं, 260 nm का टॉर्क और ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के साथ आप लोगों को मिल जाती है। आप लोगों को ये कार मिल जाएगी 8 लाख से लेके 14 लाख के प्राइस रेंज के बीच में। तो ये थी भारत की टॉप 5 फैमिली कार्स। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाके बता दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।